हाय स्टूडेंट्स, चलिए नए वर्ष में आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ख़ास करके हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जैक बोर्ड से हों, सीबीएसई से हों या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, 11th का जो सिलेबस है इस बार अधिकतर बच्चों के द्वारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत हद तक प्रयास किए हैं कि सभी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो, ताकि 12th में उनको प्रमोट होने में या आगे उसमें पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। जैक बोर्ड में 11th का अभी एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय तक हम लोग हर वर्ष जैक बोर्ड में लगभग 12th का सिलेबस स्टार्ट कर देते थे, लेकिन फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं होने के वजह से अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो खास करके 11th जैक बोर्ड के बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग, कितने बच्चे अभी क्लास भी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी भी हमारे ब्रांचेस में बच्चे आ रहे हैं जो कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं 11th में। सीबीएसई के बच्चे कुछ हद तक अपना सिलेबस स्कूल से पूरा कर लेते हैं, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे बहुत हद तक सिलेबस को सही समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस बार का एग्ज़ाम जो है बेसिकली वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आप इस बुक को मंगा सकते हैं। इसको इसको देख लीजिए, SVPD पब्लिकेशन का बुक है, और इस बुक को आप परचेज कर लीजिए। और कम से कम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप इसका एक एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ते जाएंगे तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। लेकिन अकाउंटेंसी का जो चैप्टर होता है बच्चों, कॉमर्स के बच्चे जो हैं, अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है वो केवल आपको एमसीक्यू क्लियर करने से काम नहीं चलेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है अकाउंटेंसी में आपका, तो फिर आपको 12th में जो भी चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों से जो अभी तक 11th का कोचिंग कहीं स्टार्ट नहीं किए हैं, वो स्टार्ट कर लें। जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है, कहीं भी आप पढ़ते हो, आप स्टार्ट करें। और कम से कम अकाउंटेंसी का जो, ऐसे तो सब सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अकाउंटेंसी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, क्योंकि आगे फिर आपको बेसिक क्लियर नहीं होने के वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी और सब्जेक्ट में तो आप कुछ हद तक कवर कर सकते हैं, बट जो अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है 11th में, बेसिक जो इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको 12th में बहुत दिक्कत होगा। तो आप ज़रूर स्टार्ट करें, और अभी भी समय है, क्योंकि जैक बोर्ड का एग्ज़ाम अभी फर्स्ट टर्म का ही नहीं हुआ है और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा, तब नियम के अनुसार आपका 12th स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग हर वर्ष 11th का एग्ज़ाम स्टार्ट करते थे। 11th का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होने के बावजूद हम लोग 12th का स्टार्ट करते थे, 1 दिसंबर से ही स्टार्ट करते थे 12th का। लेकिन इस बार तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है अभी भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th का सिलेबस के लिए समय फिर कम पड़ सकता है, उसमें पर ज़्यादा पढ़ना होता है स्टूडेंट्स को, और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो टोटली 12th बेस्ड होगा। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव मेरा यही है कि हम आपको इस एमसीक्यू जो इसमें दिया हुआ है
वो एक एक चैप्टर हम आपको कराते जाएं, जो बच्चे ट्यूशन स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं कोचिंग में या ट्यूशन में, उनके लिए हम चाहेंगे कि एक एक चैप्टर हम इसको तैयार करें और तैयार करके वीडियो बना करके हम फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब पे इसको अपलोड कर देंगे, और आप उसको देख करके भी कुछ हद तक अपना प्रिपरेशन को आप जारी रख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस को, और बाकी जितना जल्दी हो स्टार्ट करें आप क्लास, सोचते ना रहें, क्योंकि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्कूल में अपना चलता रहता है, कॉलेज में चलता रहता है, बट आपको समय से अपना सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए, यही कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक बार पुनः आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।